राजद खान आटो ये फिर टेली शामदीप प्यार भी कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खरीय से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ मानने का जगह। प्यारे भाई ये हमारे पास PCM ट्यूनर है और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जी इसमें राइड करने का तरीका बता दें। तो जैसे कि ये ECM है, ये देखें ECM मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो ECM है ये 2 and 10 का है, तो इसमें प्रोसेसर लगा है 39 GD। तो मुझे वो कह रहे थे कि राइट नहीं होता जी, मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं राइट होता, आपसे क्यों नहीं हो रहा राइट। तो इंशाल्लाह मैं अभी राइट करने का तरीका बताऊंगा, इसको फाइल राइट करने का तरीका बताऊंगा। ये मैंने अपनी सप्लाई बनाई हुई है, ये मैंने ट्यूनर लगाया है, सिंपली आपने इधर आ जाना है। ये भाई अभी चेक कर लें, इसमें से PCM फ्लैश में जाना है आपने, ये PCM फ्लैश ओपन हो रहा है, पीछे से ऑन कर दें भाई, सप्लाई ऑन कर दी है, इसको मैंने नो कर देना है। ये अब ये देखें, आपने यहाँ से आना है, मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ भाई, ये समझ लें। ये टोयोटा में आ जाना है, ये देखें 76F00386740 40 70, ये सारे इसके प्रोसेसर आ रहे हैं, ये क्लिक करना है। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये इसने कर लिया, ये देख लें। इसकी कैलिब्रेशन ID भी ये बता रहा है, 2NZFE बता रहा है 2N10। अब यहाँ आने के बाद मैंने इस वाले 3 डॉट पे क्लिक करना है, ये 3 डॉट क्लिक कर दिए। अच्छा, अब यहाँ करने के बाद ये मेरे पास फाइल पड़ी हुई है 76F00389AGD फ्लैश, ये इसकी कैलिब्रेशन ID भी आपको मैं दिखाता चलूँ, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें 02A60, इसको हमने ओके कर देना है यहाँ से। ये ओके करने के बाद ये फाइल आ गई, अब यहाँ से मैंने इसको राइट कर देना है, ये देखिए राइट पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक किया मैंने। अब वो कह रहा है चेकसम आर करंट कंटिन्यू, यस करना है हमने, यहाँ यस करना है। अब वो बता रहा है प्लीज टर्न द इग्निशन टू ऑफ, अब ये करना है, इधर करें ज़रा, ये देखें मैंने सप्लाई बनाई हुई है, ये मेरा इसको मैंने कर देना है, उतार देना है, ये देखें उतारा है। अब वापस आ जाए यहाँ, इसको मैंने अब ओके कर देना है। अब वो कह रहा है वेट 15 सेकंड वेट करना है, ये वायर उतार देनी है आपने, यानी कि स्विच बंद करना है मेरा, गाड़ी में होंगे तो ये चीज़ नहीं करने पड़ेगी, मैंने टेबल पे रखा हुआ है। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ टर्न इग्निशन स्विच, इसको ऑन कर देना है। आप ये देखें, इधर मैंने इसको लगा देना है, ऑन कर देना है, ये ले ऑन कर दिया। अब मैंने इसको ओके कर देना है, यानी गाड़ी में होंगे तो फिर ये आपने चाबी स्विच बंद करना है, ऑन करना है, ये प्रोसेस है, ठीक है। अब मैंने इसको ओके कर देना है, ये मैंने ओके कर दिया, ये देखें फाइल राइट हो रही है। रियासत जट साहेब भाई ये देख लें, फाइल इसमें राइट हो रही है 39 GD में, ये फाइल राइट हो रही है। तो ये तरीका आपने मुझे कहा था कि उस्ताद जी मुझे तरीका भी बताएं, तो ये इसका तरीका है, अभी फाइल राइट हो रही है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें भाई, और दूसरे नंबर पे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, शेयर करना आपका बनता है, क्योंकि शेयरिंग से ये होगा कि लोगों को फ़ायदा होगा, सदका जारी है, जितने लोग देखेंगे दुआएं देंगे मुझे भी और आपको भी। तो ये PCM ट्यूनर है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम करता है जी PCM ट्यूनर, ये देखें, ये देखें ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेसफुल, प्लीज टर्न द इग्निशन स्विच ऑफ, इसे से बटन बंद कर दें भी, ये बंद किया, इसको ओके कर देना है, ये मेरी फाइल इसमें राइट हो गई है, ये देखें कंप्लीट सक्सेसफुल, कैलिब्रेशन ये वो हर चीज़ है, ये देखें सॉफ्टवेयर का ये सारा कुछ आ गया है। उसके बाद आप इसको ऑन करें पीछे से, अच्छा अब मैं इसको दोबारा से भी आपको चेक करवा देता हूँ बंद करके, दोबारा से जो मैंने फायर राइट की है इसमें। तो प्यारे भाई ये इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा इजीली है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये दोबारा से मैं आइडेंटिफिकेशन करूँगा, ये देखें जी दोबारा से हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इसमें फाइल राइट हो गई है, ये इसकी कैलिब्रेशन आ गई है। तो ये काम है प्यारे भाई, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिले। माजिद खान आटो ट्रेनिंग में, अल्लाह हाफिज़।